ये भी हारेगा, देश जीतेगा। ये भी हारेगा, देश जीतेगा। डॉट्स अपनाओ, टीवी लगाओ। डॉट्स अपनाओ, टीवी लगाओ। डॉट्स अपनाओ, टीवी लगाओ। जब भी कोई इलेक्शन आए। सिंघिया पीएससी में मनाया गया विश्व टीवी दिवस। सिंघिया पीएससी में विश्व टीवी दिवस मनाकर टीवी रोगियों को जागरूक किया गया है। पूरे विश्व भर में 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन इस दुनिया भर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसके जरिए दुनिया भर के लोगों में इस जानलेवा बीमारी से जागरूकता पैदा की जाती है। वहीं इस वर्ष भी 24 मार्च को सिंघिया नगर पंचायत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया में आज शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मी एवं यक्षमा कर्मियों के द्वारा विश्व टीवी दिवस पर स्टॉल लगाकर टीवी रोगियों को जागरूक किया गया। इसके अलावा उन्होंने टीवी हारेगा देश जीतेगा का नारा लगाते हुए उन्होंने प्रखंड के अलग अलग पंचायतों के गली मोहल्ले से रैली निकालकर जागरूक करने का काम किया। वहीं एसटीएस दिनेश कुमार ने टीवी अनुमूलन एवं जागरूकता विषय पर विस्तार से बताते हुए कहा कि 2025 तक टीवी रोगियों को देश से खात्मा करना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। टीवी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यह किसी को भी हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण भी सामान्य ही दिखते हैं, पर 2 हफ्ते तक खांसी या बुखार हो तो तुरंत ही टीवी की जांच कराएं। टीवी संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद किसी भी रोगी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक्षण दिखते ही नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करानी चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य बीमारी सी है और समय पर जांच कराने से आसानी के साथ बीमारी से अस्थायी निजात मिल सकती है। मरीज को पूरे कोर्स की दवा करनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए अस्पतालों में मुफ्त समुचित जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इलाज के दौरान बेहतर पोषण के लिए सहायता राशि भी दी जा रही है, तो इलाज की चिंता बिल्कुल ना करें। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है जरा देखिए। जैसा कि सर वर्ल्ड टीवी डे पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और यही सिंघिया पीएससी में भी जो है सो आपके द्वारा जो है सो शिविर लगाया गया है, क्या कुछ इससे जो है सो लोगों को सुविधाएं मिल रही है? सबसे पहले आज का दिन जो है 24 मार्च वर्ल्ड टीवी डे के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, और इस साल का थीम है निक्षय मित्र बनाने के लिए। जिस भी इलाके में टीवी मरीज है उस इलाके में एक निक्षय मित्र बना दिया जाए, एक कहिए दोस्त बना दिया जाए उसको देखने के लिए, उसको पूछने के लिए कि वो समय से दवाई खा रहा है कि नहीं, उसका न्यूट्रिशन का क्या स्थिति है, समय से पैसा मिल रहा है कि नहीं, समय से जांच हो रहा है कि नहीं। एक उसको एक गार्जियन के रूप में भी मिल जाए, घर वाला तो देखता ही है लेकिन मित्र की ये भूमिका रहती है कि हमारा मित्र स्वस्थ रहे। तो थीम यही है कि निक्षय मित्र बनाना है और आज का दिन निक्षय मित्र के नाम से ही जाना जाएगा कि जब तक एक मरीज के पीछे एक मित्र नहीं लगेंगे तब तक देश से टीवी नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री का ये सपना है कि 2025 तक भारत को टीवी से मुक्त कर देना है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ जो आहन के लोग हैं, एनजीओ पार्टनर हैं हमारे, हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे अन्य साथी हैं, मृत्युंजय जी हैं, विकास जी हैं, राजकुमार जी हैं, सभी लोग, मोहन जी हमारे, सभी लोग इसको जागरूक बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उसी के सिलसिले में आज हम लोग ये जागरूकता शिविर लगाए हैं और हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ओके, कितने मतलब पेशेंट जो है सो पाए गए हैं अब तक? प्रत्येक महीना 20 से 25 के संख्या में निकल रहे हैं और 10 कभी 8 का पॉजिटिविटी रेट रहता है। और बाहर से भी लोग आते हैं रेफर होकर के, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि लोकल क्षेत्र में ही अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जो लोग दिल्ली में इलाजरत हैं वो और जिनका लोकल एड्रेस है वो रेफर करा करके यहाँ आ जा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, समय से उनको जो प्रोत्साहन राशि है वो मिल रहा है, दवाई पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, संबंधित रोगी के घर का जो है स्क्रीनिंग किया जा रहा है कि अगर घर में किसी व्यक्ति को इस तरह का अगर लक्षण है तो उसको भी हम लोग जांच करके इलाज कराने के लिए तत्पर रहते हैं ताकि फैले नहीं। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.